दो टीम एक एक मुकाबला जीतकर इस मंच तक पहुंचे हैं और आज डिसाइड होगा ये दोनों के बीच कौन सा ऐसा टीम रहेगा जो जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना होगा, क्वार्टर फाइनल से फिर सेमीफाइनल, सेमीफाइनल से फिर फाइनल का रास्ता आपको नापना पड़ेगा इसी मैदान पर। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब जो टीम खेलेंगे ये बहुत मजा आएगा। एक एक मुकाबला जीतकर इस स्टेज में पहुंच चुके हैं और उनको पता है कि इस पिच में क्या हरकत हो रही है, गेंद किस प्रकार से स्विंग हो रही है, कहां पर रन लूट रहे हैं, क्या गलती है, क्या सुधारना चाहिए, वो सारी चीज वो दोनों कप्तान रेडी करके आए हैं। तभी ये मुकाबला काफी जबरदस्त रहेगा। थोड़ा सा हवा भी चल रही है, यहाँ पर मैदान पर हवा चल रही है, वो ग्रीन टेनिस क्रिकेट का बॉल है और ये देखा जाए तो जहां पर हवा रहती है वहीं पर गेंद ज्यादा भागती है। ये थोड़ा सा मदद मिलती है बल्लेबाजों को, बैट्समैन को काफी मदद मिलती है क्योंकि आप जिस तरफ हवा लहरा जा रहा है उस तरफ अगर आप अगर शॉट खेलोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो गेंद थोड़ा सा दूर भागती है। वही कैप्टन मन निजर खिलाड़ी मन बढ़िया प्रवेश कर भी टूर्नामेंट में जो जीती हुई टीम उनकी तरफ सभी नजर डालेंगे तो फिर बांका पड़ा की टीम बहुत की टीम पहले तीन ये मुकाबला जीतकर क्वालिफाई किए थे राउंड की तरफ। उसके बाद दीव नरसिंहपुर कोरोना कटक जो कि आज से खेल रहा है और भीम रामचंद्रपुर तालबहाल बड़ बागवान फकीरपुर पंखीमाल मथुरा गुरगुड्डा तिलेश्वर चंपामल और रैठाणी की टीम। ये जो 14 टीमों का नाम लिया गया ये दूसरे स्टेज की तरफ यानी सेकेंड राउंड की तरफ क्वालिफाई कर चुके हैं और ये मुकाबला काफी जबरदस्त रहेगा। पीडीपीएल क्रिकेट कार्निवाल 2023 का ये सेकेंड राउंड लीग मैच, दोनों कप्तान को यहाँ पर स्वागत इस मैदान पर। ये बड़ा मुकाबला रहेगा क्योंकि एक एक टीम जीतकर वो दूसरा लीग स्टेज की तरफ क्वालिफाई की है, एक तरफ फकीरपुर और दूसरी तरफ पूर्णा कटक की टीम। और दोनों टीम यहाँ पर तैयार, दोनों कप्तान तैयार। मैं माइक यहाँ पर थमाना चाहूंगा यूनिट हेड सर को। लीग मैच का ये दूसरा राउंड, एक तरफ फकीरपुर और दूसरी तरफ
कोरोना कटक की टीम। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब लोग? अभी फिर मुकाबले के लिए तैयार है। तो फकीरपुर दोबारा खेल रहा है और कोरोना कटक आप भी दोबारा खेल रहे हैं, तो दोनों पहले जीत के आए हुए हैं, दोनों भी चलो देखते हैं आज कौन विनर होता है। फकीरपुर पहले आता है और कोरोना कटक बाद में आता है, इसीलिए इधर खड़े हैं लोग। अच्छा, आप दोनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत, और दोनों कप्तान को मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत अच्छे से खेले, अनुशासन के साथ खेले। पहले भी आप लोग खेल चुके हैं इस ग्राउंड पे, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो अपना जो है जो प्रदर्शन है वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है? धन्यवाद। और मैं बुलाना चाहूंगा दोनों कप्तान को, टॉस का कार्यक्रम हम यहां पर शुरुआत करेंगे। फकीरपुर और कोरोना कटक, सिक्का उछला सिक्का उछला है और हेड का पॉइंट हुआ है यहां पर कोरोना कटक की कप्तान, और टेल गिरा है, यानी फकीरपुर के कप्तान यहाँ पर टॉस जीत चुके हैं। और टॉस जीतकर क्या निर्णय लेने का फैसला करोगे? पहले बल्लेबाजी करोगे? कुछ बदलाव हुआ है, कुछ प्लेयरों में चेंजेस आया है, या फिर सेम प्लेयर खेलेंगे? सेम प्लेयर लेकर आए हो। पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर का मैच है, कितना रन यहाँ पर खड़ा करने का प्रयास करोगे? 125 रन की करें, ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर चलते हैं हम फकीरपुर कोरोना कटक की कप्तान की तरफ। आपको टॉस जीतकर फकीरपुर की कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला दिया गया है, तो फिर सामने वाले टीम को देखकर, एक मुकाबला आप जीत चुके हो उस मैदान पर, तो कितने रनों पर रोकने का प्रयास करोगे? 100 रन के अंदर। क्या कॉम्बिनेशन है, कोई बदलाव हुआ है पिछले मैच में जो प्लेयर खेले थे, सेम प्लेयर है, या फिर कुछ बदलाव हुआ है प्लेयरों के बीच? कुछ बदलाव हुआ है, समय बदले से समय बोलता है, बस सिगुन का बदले आए हैं सूर्या, दो खिलाड़ी बदलाव किए हैं, तो फिर बेस्ट ऑफ लक यहाँ पर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों टीमों को, और बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। यहाँ पर जो प्रीमियर क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर तो सेकेंड राउंड पर एक तरफ फकीरपुर और दूसरी तरफ कोरोना कटक। फकीरपुर के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं। 15 ओवर का ये मैच, 5 ओवर पावर प्ले। चलिए लेफ्ट प्ले लेग लाइन एक्शन की तरफ चलते हैं, खेल की तरफ चलेंगे थोड़ी देर के बाद। कितने लीडर हो जी बिलासपुर क्रिकेट की? तारी फाइनल चलुच्छे कोरोना कटक वर्सेस फकीरपुर मध्य बीडीपीएल क्रिकेट कार्निवल सेकंड राउंड लीग मैच सेकंड राउंड स्टार्ट इन साइड लड़ी, और
फकीरपुर कैप्टन स्टॉल सिटी की प्रथम मीटिंग करवा निष्पत्ति निज 15 ओवर की सिस्टम में स्टॉल सिटी की फकीरपुर कैप्टन पहला मीटिंग करवा निष्पत्ति निज चलिए आप पुराना घटना घटते हैं फकीरपुर के बीच मुकाबला दो 45 हो चुकी है यहाँ पर 2:50 के करीब बिल्कुल आप मैदान की तरफ उतर जाइए बहुत देर हो चुकी है 2 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन 1 घंटा यहाँ पर लेट हुआ है उसी के हिसाब से आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर गेम को स्टार्ट करना होगा प्रत्येक ओवर आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर गेंदबाजी जल्दी से आपकी गेंदबाजों को गेंद डलवाना होगा बतौर कप्तान यहाँ पर चलिए दोनों टीम तैयार ये दूसरा राउंड एक एक मैच जीतकर एक एक जीत हासिल करके सीधे पहुंच चुके हैं फकीरपुर और पूर्णा कटक की टीम यहां से जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा कोलकाता के कप्तान को अनुरोध रहेगा आपकी बिना जर्सी की खिलाड़ी आप जर्सी दे दीजिए वो डिसिप्लिन के साथ खेल खेलना पड़ेगा आप जर्सी लगा लीजिए वहां पर बिना जर्सी की थोड़ा वो गेम अच्छा नहीं लगता है कप्तान को अनुरोध रहेगा खिलाड़ी को एक जर्सी दे दें
चलिए दोनों सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं। टॉस जीतकर फकीरपुर की कप्तान एक तरफ स्ट्राइक पर रहेंगे बसंता नोटबैग गेंद पर गौरांगा, स्ट्राइक पर बसंता नोटबैग गेंद पर गौरांगा और पहला ओवर लेकर आते हुए पूर्णा घटक की तरफ से संदीप संबित 15 ओवर का मैच। टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किए हैं। दूसरा राउंड दोनों कप्तान को पता है, सारे खिलाड़ियों को पता है यहाँ पर क्या गलती से क्या हो सकती है, क्या बेहतर करने से हम मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों एक एक मुकाबला जीतकर स्टेज पर पहुंचे हैं। बीडीपीएल क्रिकेट कार्निवाल 2023 का कार्निवाल 8वें दिन तक पहुंच चुकी है। पहला लीग राउंड खत्म होने के बाद ये दूसरा लीग मैच यानी दूसरा राउंड शुरुआत हो चुकी है और दूसरे राउंड की पहला लीग मैच फकीरपुर वर्सेस पूर्णा कटक। फकीरपुर के कप्तान टॉस जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। दोनों सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं मैदान पर। बसंता और गौरांगा संबित के हाथ पर पहला ओवर थमाए हैं। थोड़ा सा फील्डिंग के बारे में बात करें तो फिर एक पहले फील्डर को बाहर की तरफ भेजे हैं और एक खिलाड़ी को पहली गेंद। बढ़िया गेंद लेग साइड पर सम्मान के साथ इस गेंद को खेलते हुए डॉट के साथ इस ओवर का हुआ है शुरुआत। दोनों टीम इस बार और एक जीत के लिए और एक पड़ाव के लिए तैयार हो चुके हैं। बीडीपीएल के इस मैदान पर सभी लोगों को फिर से एक बार मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूं। अगली गेंद पैरों पर और पता है दोनों टीमों को कि यहां पर क्या बेहतर करने से हम जीत सकते हैं। सामने वाली टीम के ऊपर कौन सा वो गेम प्लान है, क्या माइंडसेट के साथ ये जीत सकते हैं, उसका एक एक चीज पता है क्योंकि यूट्यूब पर लाइव हो रही है। आप देख सकते हो सामने वाली टीम क्या करना चाह रही है, क्या उनकी ताकत है। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आज गेम प्लान करना पड़ेगा और उसका पूरी तैयारी हो चुकी है दोनों टीम की तरफ से। लेकिन ऐसा कौन टीम रहेगा जो जीत का सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। फिलिपिया के मैदान किसको सूट करेगा, किसको आगे की तरफ बढ़ाएगा, वो खेल के हिसाब से पता चल जाएगा यहाँ पर थोड़ी देर के बाद। ऑफसाइड पर मारने का प्रयास, वाइट का इशारा। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी पूर्णा घटक की टीम, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली थी फकीरपुर की टीम। एक एक टीम को हरा के एक एक मैच जीत के इस मंच पर पहुंचे हैं और ये बड़ा मंच है। यहां पर थोड़ी सी भी गलती हुई तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। डिफेंस किए हैं ऑफसाइड पर, खिलाड़ी वहां पर तैनात। इसी के चलते अभी तक खाता नहीं खुला है। हम बात करें फकीरपुर टीम का, स्ट्राइक पर बसंता, वाइट के चलते एक रन आया है लेकिन कमाल की फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। यहां पर ऑफ साइड पर डेकपुर में जाकर हवा की दिशा में खेलने का प्रयास किए थे बल्लेबाज, लेकिन बीच में खिलाड़ी को ढूंढा है, फील्डर को ढूंढा है और फील्डर के हाथ से एक कमाल की ड्राइव देखने के लिए मिला। ड्राइवर बन के ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ जाइए। लेफ्ट साइड पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास पसंद था, पैरों पर गेंद जाने दी इस बार संदीप। और इसी के साथ अपना एक रन के साथ खाता खोलते हुए बसंत, इसी के चलते दो पर पहुंच गया स्कोर।
क्रिकेट का ये खेल 15 ओवर का मैच, सामने दो प्रतिद्वंदी टीम आमने सामने वो जीत की खोज में उतर चुके हैं, जीत की तलाश में उतर चुके हैं, लेकिन कौन सा ऐसा टीम रहेगा एक पड़ाव लेकर क्वार्टर फाइनल की तरफ प्रवेश करेगा। जीतने की आशा तो सबका है, लेकिन ये टीम जो भी बेहतर खेलेगा, जो भी अच्छा करेगा वो सीधे क्वार्टर फाइनल की तरफ प्रवेश करेगा। उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला आपको 10 दिसंबर बीडीपीएल के इस मैदान पर आपको नजर आएंगे, चार टीम जो कि सेमीफाइनल खेलेंगी। दूसरा ओवर पहली गेंद ऑफ साइड पर कमांडर शॉट, बसंत बल्ले से ओवर कवर रिंगती हुई गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर और मिला है चार, पहला चौका जुड़ चुकी है यहां पर फकीरपुर के खाते पर बसंत बल्ले से। सीधा तौर खेलने की कोशिश, और पता है बसंत गुप्ती भी पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किए थे और एक एक्सपीरियंस बैट्समैन जो कि बतौर ओपनिंग बैट्समैन वो बड़ा तौर खेलने की प्रयास करेंगे, पावर प्ले का वो अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सामने की तरफ थोड़ा सा चकमा दिया है इस बार सुब्रत, सामने वाले बल्लेबाज को जरूर एक चौका आया इस ओवर में, लेकिन उसके बाद तो दौड़ गेंद डाल चुके हैं, बढ़िया कमबैक। तो गेंदबाज आपके पास जो कमबैक करने की वेरिएशन होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पर एक सिंगल के लिए खेल दिया है गेंद को, फाइनल की दिशा में पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन भी पूरा करते हुए बढ़िया रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, अच्छा तालमेल, और ये तालमेल की कमी नहीं होनी चाहिए आज दोनों टीम के पास। देखा जाए तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दोनों टीमों के पास, अच्छे अच्छे बल्लेबाज, अच्छे अच्छे गेंदबाज भरे पड़े हैं, तभी तो ये मुकाबला अच्छा रहेगा। अब पहला मुकाबले तो जीत चुके हो, लेकिन जैसे जैसे आप जीत के आगे चलते जाओगे उससे इतनी बड़ी बड़ी संघर्ष आपके सामने आएगा, और उस संघर्ष को पार करके जो टीम जाएगा वसल में वो चैंपियन का खिताब जीतने का मुताबिदार रहेगा। इसी बीच दूसरा ओवर का खेल हुआ समाप्त, दो ओवर समाप्ति के बाद फकीरपुर का स्कोर पहुंच चुका है यहां पर 8 रन बिना किसी नुकसान पर, दो ओवर का खेल हुआ समाप्त, दो ओवर समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान पर, बढ़िया शुरुआत हो चुकी है यहां पर। अगर देखा जाए तो फकीरपुर की नजरें से बसंत के बल्ले से एक चौका आ चुकी है, लेकिन अभी तक गौरांगा एक भी गेंद नहीं खेले हैं, इतने ओवर में उनको स्ट्राइक पर आना पड़ा है, और इतना ओवर किसको थमाते हैं, पूर्णा घटक के कप्तान संबित को बुलाए हैं फिर से एक बार, और पावर प्ले में अपने बतौर गेंदबाज जो कि विकेट टेकिंग गेंदबाज उनको काफी पैक करते हैं कप्तान, आपको पावर प्ले में विकेट दिला के देते हैं। स्ट्राइक पर गौरांगा, चलिए हवा में गए खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन गेंद चली फिर से एक बार बाउंड्री के बाहर, पारा रन पर पहुंच गया स्कोर इसी चौके के साथ, पहली गेंद पर चौका लगाए हैं, अगली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और विकेट मिला है यहां पर
समित अनिल आए हैं नए बल्लेबाज, यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए पहला धक्का, पहला सफलता। पहली गेंद पैरों पर, लेग साइड पर गेंद, देखकर सिंगल मिला है यहां पर। इसी सिंगल के चलते चलिए लेग बाय का इशारा, बल्लेबाज की बल्ले से लगी नहीं। 13 पर पहुंच गया स्कोर, 13 पर पहला धक्का लग चुका है। हकीरपुर की टीम को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। स्ट्राइक पर बसंत, थोड़ा सा नीचे रहती हुई है, अच्छी तरीके से वहां पर डिफेंस किया, एक रन बटोरे, जीत की तलाश में। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। कौन सा टीम उठानेगा और वो जीत के करीब जाएगा, और इस टूर्नामेंट में, इस मैच में वो दूसरा पड़ा, वो क्वार्टर फाइनल की तरफ कौन सी रवैया करेगा, वो गेम देखने के लिए पूरी तरीके से यहां पर दर्शक तैयार। भारी किनारा लगा है, थोड़ा सा मिसफील, इसी के चलते एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, प्रयास बहुत बढ़िया है, जोश जुनून और जज्बा के साथ यहां पर खेल खेलते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी, और वो जुनून, वो जोश चाहिए और जोश के साथ थोड़ा सा होश भी चाहिए यहां पर, क्योंकि ये बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले में थोड़ा सा भी गलती आपको हार की कगार में खड़ा कर सकती है। बढ़िया गेंद थोड़ी सी नीची रही, ऑफसाइड पर खेलने की कोशिश की थी, तीसरा ओवर का खेल हुआ समाप्त। संबित एक विकेट इस ओवर में, एक चौका जरूर आया था लेकिन उसके बाद कमबैक करते हुए तीन ओवर का खेल हुआ समाप्त। तीन ओवर समाप्ति के बाद, तीन ओवर समाप्ति के बाद 15 रन एक विकेट के नुकसान पर फकीरपुर, यानी 5-5 रन रेट के हिसाब से यहां पर स्कोर बोर्ड चलाते हुए को थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। 15 ओवर में आप हम देखेंगे जो कि कल 141 रन, परसों के दिन 141, कल 144। सुब्रत गेंदबाजी के लिए सामने बैट्समैन अनिल, चौथा चौथा ओवर की पहली गेंद पर अनिल रन पर पहुंच गया स्कोर। फिर से बड़ा शॉट खेले हैं लेफ्ट साइड पर, कोई खिलाड़ी वहां पर तैनात नहीं, खाली इलाका, वन बाउंस टू बाउंस इन टू द फैन, एबीडीपीएल चौका, दो गेंद दो चौका बल्लेबाज अनिल के बल्ले से। रन पर पहुंच गया स्कोर, बढ़िया गेंद, जो काम करना था ना यहां पर अनिल, नए बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर रहता है जब आपका एक विकेट गिर गया हो तो, लेकिन इस खिलाड़ी के पास वो मोमेंटम, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। ये पैरों पर गेंद, कमाल की गेंद, प्लग होल्ड योर गन लाइन, शाहरुख खान चीज बल्लेबाज का,
पथ वापसी दोनों टीम करते हुए, दोनों टीम लड़ रहे हैं, हर एक ओवर में चौका आ रही है। पिछले ओवर में तो एक विकेट भी गिर गया। चलिए और एक विकेट गिर लीजिए, इस बार बसंता का विकेट, बतौर ओपनिंग बैट्समैन 6 बॉल। दूसरा विकेट और बढ़िया वापसी यहाँ पर रूणा करता। हालांकि इस ओवर में तो चौका खाए गेंदबाज शुक्ला, लेकिन कुमार के ओवर निकलता हुआ ये विकेट। नए बल्लेबाज वीरेन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और पहली गेंद अपने इनिंग का एक डिफेंस के साथ अपने इनिंग की शुरुआत करते हुए। चौथा ओवर का खेल हुआ समाप्त। 4 ओवर समाप्ति के बाद 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो दोनों टीम पर अड़वा करना जानता है, एक टीम चक्का चौका लगा रहा है, लेकिन अगले जो टीम है उस ओवर में एक विकेट जरूर ले रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है दोनों टीमों का चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जीत चाहिए। और आप एक मुकाबला जीते हो, दूसरे मुकाबला जीतने की प्रयास जरूर करोगे। अब वन साइडेड गेम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक टीम एक एक जीत लेकर जब आपके सामने आते हैं तो फिर वो कॉन्फिडेंस उनके साथ होती है, कोई चीज की डर नहीं रहती है, और जो इनका गेम प्लान है वो अक्षर में सही चलती है। थोड़ा सा भी जो इस मैच पर अपना वो रवैया अच्छा अपनाएगा, अपना गेम प्लान अच्छा करेगा, वो ये मैच को जीतकर वो क्वार्टर फाइनल की तरफ प्रवेश कर सकती है। 5वां ओवर डालने के लिए आ चुके हैं गेंदबाज तैयार होकर। सूर्या सामने अनिल, सूर्या का प्रकाश क्या दिखा पाएंगे यहाँ पर। 5वां ओवर 4 ओवर में 24 रन 2 विकेट। ऑफसाइड पर हवा में गेंद को लहराते हुए पॉइंट के बाउंड्री की तरफ भेजते हुए वन बाउंस का होता फिर देगा आई वाला। अनिल 28 पर पहुंचा स्कोर, ये तीसरा चौका इनका। और एक बार लेकिन खिलाड़ी तैनात किए हैं वहां पर। पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच थे अनिल, क्या आज की मैच में वो तो पिछले मैच वाला वो रवैया अपना सकते हैं क्या? उनसे बहुत उम्मीदें रहेगा फकीरपुर। एक तीन चौका लगा चुके हैं, ये बढ़िया शॉट है, लेग साइड पर क्लिक किए हैं और एक रन बटोरते हुए। बढ़िया सोच दोनों बल्लेबाजों के बीच, क्योंकि अनिल यहाँ पर अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके बल्ले से अच्छा शॉट निकल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा स्ट्राइक पर रखने की प्रयास करते हुए फकीरपुर के बल्लेबाज। बढ़िया शॉट, बढ़िया कनेक्शन, 1 बाउंस 2 बाउंस फिर से एक बार बाउंड्री के बाहर। अनिल का बाहरी किनारा लगा था, बाल बाल बचे, भाग्यशाली रहे यहाँ पर बैट्समैन अनिल। हल्का सा किनारा लगा था, स्लिप के आगे एक टप्पा सिर्फ 1 इंच आगे गिरा गया, वरना ये खतरा बन सकता था फकीरपुर टीम के लिए। भाग्यशाली रहे, हल बाल बचे यहाँ पर।
जीत की तलाश में दोनों टीमों का चुके हैं। पावर प्ले का खेल यहाँ पर हुआ समाप्त। पांच ओवर समाप्ति के बाद फकीरपुर का स्कोर पहुंच चुकी है 34 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 34 रन, 2 विकेट गवाई है फकीरपुर की टीम। जिसका आप कप्तान जब बल्लेबाजी करने के लिए देखते हो तो फिर आप टारगेट सेट करते हो इसी मैदान पर, और जब आप टारगेट सेट करोगे तो फिर आपके जहन में वो टारगेट साफ साफ झलक जानी चाहिए, क्योंकि आपको प्रति ओवर कितने रन बनाने से आप वो टारगेट की तरफ जा सकते हो, टोटल की तरफ जा सकते हो, जिससे आपकी गेंदबाज थोड़ा सा अगली टीम के ऊपर वो लड़ाई लड़ सकते हैं। उतना रन काफी है यहाँ पर आपकी गेंदबाज के पास, क्या क्षमता है, क्या वो कितने रन को डिफेंड करके दे पाएंगे आपकी टीम को। अब गेंदबाजी के लिए उल्लास। ओवर पावर प्ले के बाद कप्तान को रोक रहेगा बिना जाते ही खिलाड़ी को आप बाउंड्री पार नहीं लगा सकते, उनको साकिल के अंदर रखे। आप जितने जाते पहने हो वो बाउंड्री की तरफ जाए, क्योंकि खिलाड़ी पहचान मुश्किल हो जाएगा, अंपायर को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दर्शक भी वहां पर ऐसे लोकल ड्रेस में खड़े रहते हैं। उल्लास आए हैं आपका गेंदबाजी के लिए, 2 स्लिप तैनात किए हैं। वैन एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन नो स्ट्राइक आउट के साइड करो तू सर। खिलाड़ी 5 खिलाड़ी 30 रन के बाहर, पहली गेंद इस ओवर का। पैरों पर हल्का सा धीमी गति से डाला हुआ गेंद, फील्डिंग पोजीशन देखा जाए तो बिल्कुल लग किस्म से सजाया गया है। जो डीप पॉइंट है वहां पर खिलाड़ी नहीं रखे, गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किए हैं, जो कि पॉइंट और गली के बीच रखा गया है। एक एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग फील्डर, लेग साइड पर 2 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी जमाए हैं यहाँ पर। उल्लासारा लगाता विकेट कीपर के हाथ पर यहाँ से कैच मिस हुआ है, अक्सर हम देखते नहीं है विकेट कीपर कैच मिस करते हुए, क्योंकि उनके हाथ में दस्ताना रहता है जब वो ड्राइव करते हैं, शायद वहां से गलती हो सकती है। पैरों पर गेंद अनिल, जो उनका रवैया है वो रवैया को जारी रखते हुए बड़े शॉट खेलने की जो प्रयास कर रहे हैं, और सही है, क्योंकि खुला छूट दिया गया है इस बल्लेबाज को कि आप जाइए और बल्ला घुमाइए, और उस हिसाब से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। वाइट का इशारा एक्स्ट्रा रन, अनिल का साथ यहाँ पर वीरेन को भी देना पड़ेगा। वन साइडेड गेम, आप एक बल्लेबाज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, दोनों छोर से अगर रन आएगा तो फिर आप जो सोच रहे हो 110-120 उसके करीब जानेंगे और जरूर कोशिश करेंगे। बढ़िया शॉट है इस बार, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग। वरुणा कटक की जो खिलाड़ी है वो बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हुए यहां पर। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए रन बचाते हुए बाहरी किनारा लगा है खिलाड़ी वहां पर देना, रन आउट का चांस हो जाएंगे बल्लेबाज, ये खतरा बन सकता था, और ऐसे बड़े मैच पर आउट का इशारा दिया गया है। बीच में आगे बल्लेबाज
बाद त्रिपुर वीरेन के आउट होने के बाद थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ी नजर आया रन लेने का प्रयास की, वहां पर आधा पीच तक चले आए थे वीरेन और वापस नहीं जा पाए, इसके चलते एक विकेट। त्रिपुर पारी का पहला गेंद खेलते हुए, चलिए पहली गेंद हवा में मारने का प्रयास, किनारा है, विकेट मिला है, बैक टू बैक दो विकेट, एक रन आउट के रूप में और एक कप का आते हैं यहाँ पर। अटल नए बल्लेबाज, क्योंकि यहाँ पर तो गलती दोहराया है फकीरपुर की टीम, एक रन आउट उसके बाद पहला गेंद खेल रहे थे अपना त्रिपुर और कहीं से बड़ा स्तर खेलने की कोशिश की, उनका विकेट शून्य रन पर, किस गलती होती है बतौर कप्तान आपसे बल्लेबाज को भेजते हो वो बिना रन बनाकर जो शून्य पर आउट होकर जाते हैं, तो जब बल्लेबाज एक नए बल्लेबाज आती है और जो सेट बल्लेबाज रहते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकती है। सूर्या आए हैं अपना दूसरा ओवर डालने के लिए, छह ओवर का खेल हुआ समाप्त, छह ओवर के बाद 40 रन तक पहुंच चुकी है यहां पर। ये बढ़िया गेंद सूर्या के हाथ से, इसलिए मैच में भी दिखा जाए तो इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी अपने टीम के लिए। चालीस पर पहुंचा स्कोर, और एक बार धीमी गति की गेंद, अनिल थोड़ा सा यहाँ पर दबाव में आएंगे क्योंकि पता है उनका वो जो विकेट गिर चुका है उनका साथ नहीं मिल रही है अगले छोर पर, काटते हैं खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक ही रन मिलेगा इस एक रन के चलते 41 पर पहुंचा उसको, थोड़ा सा बादल ढक गया है ग्राउंड के ऊपर, हवा हवा भी थोड़ा सा लहरा रहा है, ठंडी ठंडी हवा। अच्छा मौसम क्रिकेट देखने के लिए, एक के चलते 42 पर पहुंचा स्कोर और नए बल्लेबाज अटल अपना खाता खोल चुके हैं, 42 रन पर पहुंचा स्कोर, ये सातवां ओवर चल रही है 15 ओवर का मैच। बढ़िया शॉट है, कैसा कनेक्शन, लेकिन खिलाड़ी पीछे तैनात किए हैं यहाँ पर अरुणा घटक के कप्तान, और पवासली के बाद वो बड़ा शॉट आप गेंद पर खेल कर शायद ले सकते हो, वरना ऑफ साइड पर जिस तरह से इन्होंने विकेट खिलाड़ी तैनात किए हैं उन खिलाड़ियों को भेद कर चौका लगाना उतना आसान नहीं रहेगा। ओवर का हुआ समाप्त, 7 ओवर सफल परिसमाप्ति पर दलिया रन संख्या पहुंची जी 43 रन, चेटा विकेट हरे गुरी फकीरपुर, 7 ओवर खेल समाप्ति घटी है और 7 ओवर समाप्ति पर 43 रन निजर जुड़े विकेट हरे गुरी, और 8 ओवर खेल से 43 स्कोर वर्ट कीजिए उल्लास अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं सामने अनिल, और अनिल को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैच का मैन ऑफ द मैच, इस मैच में भी वो उसी तरीके की पारी खेलना पड़ेगा। ये मिसफील्ड के चलते चौका मिला है और इस चौके के साथ
अनिल के बल्ले से और एक चौका आ चुका है मिस फील्ड के चलते। साथ साथ लग रहा है यहाँ पर अनिल के बल्ले से, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दे पा रहा है वो। चलिए 5-7 रनों का वो पार्टनरशिप हो रही है उसके पास, उनके जो साथी बल्लेबाज है वो आउट होकर कैमरा का रास्ता पकड़ रहे हैं। स्ट्राइक पर उसी तो यहाँ पर बड़े शॉट खेलने का है, लेकिन व्हाइट का इशारा। और कल के मैच में जो सांपोज की टीम थी 40 रन एक्स्ट्रा दिए थे, जिसके चलते 144 रन बनाए थे रैठाने की टीम। ये बढ़िया गया पैरों पर सीधा तौर दो खिलाड़ी गेंद के पीछे, इतना रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। जितना है तो फिर वो खुद की जो बल्लेबाजी है, खुद की जो गेंदबाजी है, और इसी एक रन के चलते 50 पर पहुंच गया स्कोर फकीरपुर का। 50 का आंकड़ा छू चुकी है, क्या इसके बाद वो क्या 100 का आंकड़ा पार कर पाएगा, क्योंकि ओवर भरा पड़ा है इसके पास। इस ओवर के बाद आपके पास और 7 ओवर का खेल बचेगा, यानी 42 गेंदों का खेल, उसमें भारी किनारा लगा है। खिलाड़ी वहां पर कोई तैनात नहीं, एक गली फील्डर जमाए हैं वो किनारा के लिए खिलाड़ी तैनात किए हैं। और रही बात फकीरपुर टीम की, तो फिर इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी जब इनका पहला मुकाबला था, उसमें उनकी एक अच्छी गेंदबाजी देखने के लिए मिला था। पूर्णा कटक के पास भी अच्छे बल्लेबाज हैं, इस बार गैप पर खेलने का प्रयास थोड़ा सा मिसफील हुआ है, और मिसफील के चलते एक रन चुराते हुए उसी रन के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 52 रन। 8 ओवर रो सुपर पर समाप्ति करे 52 रन जो चेष्टा विकेट हरे गरी फकीरपुर रो दल टॉस जीत गरी पहला बैटिंग करवा निष्पत्ति ले जो नाव 15 ओवर रो मैच रे पहला बैटिंग जिंदे के पावर यो प्रेशर जिंदे के सामना वाला टीम ने रखवार प्रयास कर जो नाव तेती आज के बड़ बड़ मैच हेते जीवा जिंदे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की मैच मांगे देखवार भी बोले प्राय कैप्टन टॉस जीतगिरी पहला बैटिंग करवा निष्पत्ति नेशन कारण फॉर्म में पहला राउंड बोर्ड बोर्ड ने राउंड लगे दिले शायद सुमंत आए गेंदबाजी के लिए सामने बल्लेबाज अटल। 8 ओवर का खेल हुआ समाप्त पर ओवर की दिशा में खिलाड़ी तैनात, थोड़ा सा सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज और अनिल, क्या वो अपना रवैया यहां से स्टार्ट करेंगे या फिर कुछ देर के बाद वो अपना एक्शन दिखाएंगे। इन्हीं के ऊपर फकीरपुर की नजर टिका हुआ है। अब तक के बाहर गए मोबाइल का इशारा, एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ, इसे एक्स्ट्रा के चलते फकीरपुर का स्कोर पहुंच चुका है 54। टच करने की कोशिश और एक बार व्हाइट कि जो एक्स्ट्रा रन आप देते हो गेंदबाज, कि जब आपका टारगेट सेट हो जाएगा आपका जब हिसाब किताब लगाते हो आप कितना रन एक्स्ट्रा दिए हो, वही एक्स्ट्रा रन आपको बाद में बल्लेबाजी करने के लिए जब आओगे वही बनाना पड़ता है। एक बात अलग है कि बल्लेबाजों ने रन बनाया, उनके बल्ले से रन आया वो बात अलग है, उन्होंने अपना मेहनत किया और रन बनाए, लेकिन जो एक्स्ट्रा रहती है वो खुद की गलती से आती है वो एक्स्ट्रा रन। और आप जितना गलती करोगे यहाँ पर उतना भरपाई आपको खुद करना पड़ेगा। क्रिकेट के खेल में आप गलती नहीं कर सकते, जो गलती करता है वो उसका खामियाजा भुगतता है। और आप
फिर से एक बार बाहरी किनारा मेज पेडवा है, चौथा मिला है। जिन भाई माने ड्रेस लगे जन जिन भाई माने जर्सी पिनि जन से माने बाउंड्री लाइन रे ठिया हेबे। नौ ओवर का खेल हुआ समाप्त, 59 पर पहुंच गया स्कोर। उल्लास अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए एक अच्छा रवैया अपनाया है यहां पर फकीरपुर की टीम। टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला। गेंदबाजी के लिए उल्लास, व्हाइट का इशारा, 60 रन पर पहुंच गया स्कोर। और सारे एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं लेकिन बल्ले पर भी रन गरज रहे हैं, खास तौर से अनिल के बल्ले से। कुछ चौका चौका लगाते हुए अटल इस बार बल्ला उठते हैं। लवन खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक सिंगल मिलेगा स्ट्राइक पर बल्लेबाज अनिल। ये जो काम करना जानते हैं, जो कारनामा करना जानते हैं, जो बल्ला घुमाना जानते हैं, क्या वो बल्ला घुमाएंगे, वो छक्का लगाएंगे। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव हुआ है, हरमन खिलाड़ी को 30 गज के बाहर रखे हैं, एक गली फील्डर एक्स्ट्रा कवर। लेफ्ट साइड पर दो खिलाड़ी, उल्टा गेंद ऑफ साइड पर, फिर गेंद को भेजा है और गेंद को भेजा है, फिर से बार अनिल का बल्ला चला है। अनिल ये खिलाड़ी खास है अपने टीम के लिए, वो रन बटोरता हुआ। प्रयास तो किए हैं लेकिन कहां पर लगी है वो थोड़ा सा दोनों अंपायर बातचीत करते हुए अपील जोर से हुई है लेकिन अनिल का विकेट काफी महंगा पड़ सकती है यहां पर। फकीरपुर की टीम को दोनों अंपायर का डिसीजन चल रही है यहां पर, क्या आउट किया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। आउट का इशारा दिया गया है, विकेट मिला है अनिल। अरे विश्वास था अनिल के ऊपर, वो यहां पर भरोसा टूट चुका है, वो अपना विकेट दे बैठे हैं। यहां से क्या फकीरपुर की टीम को बड़ा टारगेट की तरफ रवैया कर सकती है। सानंद आए हैं, पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी किए थे, उतना बढ़िया नहीं रहा था लेकिन कुछ शॉट लगाए थे। पैरों पर स्वागत करते हुए बैट्समैन सानंद को यहां पर गेंदबाज उल्लास,
खिला रन तेजी के साथ, दूसरा रन भी तेजी के साथ, तीसरा रन लेने की कोशिश और तीसरा रन भी पूरा करेंगे या फिर रन आउट, रन आउट का करार दिया गया है और एक झटका लगा है रन की लालच में। वो दो रन आसानी के साथ दौड़ गए लेकिन सेट बल्लेबाज लोग का जुड़ चुके हैं लगभग सुरता दास यूट्यूब चैनल पर। उल्लास की अगली गेंद सामने नए बल्लेबाज अमूल्य। चलिए क्लीन बॉल, गेंद को इस बार स्टंप में हिट किया है, विकेट मिला है रन आउट के बाद और एक धक्का। इस ओवर में आए हैं तीन विकेट, एक विकेट अनिल और उसके बाद एक रन आउट, उसके बाद अमूल्य। अनिल और अमूल्य को यहां पर आउट किए हैं उल्लास और एक खिलाड़ी जो थे वो रन आउट हुए हैं। इस तरह की विकेट जाएंगे तो फिर वो रन की गति को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। छह विकेट जा चुके हैं, रोन गए कहना छो सात तानू जो आए हैं नए बल्लेबाज। इसी बीच ओवर का हुआ समाप्त, दस बॉल और सफल पर इस वापसी पर 67 रन, छोटा विकेट हरेगी फकीरपुर दल। दस बॉल और सफल पर इस वापसी पर 67 रन, निज चारटा विकेट हरेगी फकीरपुर। कैप्टन टॉस जीतिकी पहला बैटिंग करवा निष्पत्ति और कैप्टन वाइस कैप्टन दुई गोट आदेश वर्तमान क्रीज रे। आप गेंदबाजी के लिए सुमंता आए हैं, पांच ओवर का खेल बचा है, 67 पर स्कोर रुका है फकीरपुर टीम का। ऐसा बादल यहाँ पर छाया है मैदान के ऊपर, थोड़ा सा हवा चल रही है, बारिश आने का एक मौसम बन चुकी है। शानदार स्ट्राइक पर और सुमंता अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं 67 रन पर 6 विकेट।
सुमंता की पहली गेंद सामने सानंद बढ़िया गेंद और फील्डिंग टीम जैसे कि आपका जब आपकी आवाज लेते हैं तो फिर वो जो जोश रहती है वो जज्बा जो रहती है वो हर एक गेंदबाज के ऊपर ट्रांसफर होती है और उसका पूरा दिखाते हुए यहाँ पर कोरोना कटक की जो गेंदबाज है वो कहीं ना कहीं आप फकीरपुर की बल्लेबाजों के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास जरूर करेंगे इसी फंसी हुई मैच में है। वापसी होना है या फिर बड़े शॉट लगाना है अपने टीम का नया पार कराना है तो फिर इन दोनों के बल्लेबाजों के बीच एक खिलाड़ी को यहाँ पर वो अपना हथियार को घुमाना पड़ेगा कदमों का इस्तेमाल गेंद पर काफी ऊंची गई है कितना दूरी है गेंद पर बिल्कुल दूरी नहीं थी लेकिन खिलाड़ी के हाथ में लगकर 6 रन मिला है विकेट मिला था छक्का मिला है फिर से गेंद हवा में खिलाड़ी उसके नीचे इस बार कोई गलती नहीं सांदो को जाना पड़ेगा पेवलियंस की तरफ ये सातवां धक्का लग चुका है पहले ये और यह जान रखी थी लेकिन धक्का मिला अगली गेंद को मारने का प्रयास किए थे और एक विकेट बच्चन आए हैं नहीं बल्लेबाज बच्चन को भेजा गया है आप विकेट पर विकेट गिरते जा रहे हैं ओवर का हुआ समाप्त 11 ओवर समाप्ति के बाद 73-73 रन 11 ओवर का सफल परिसमाप्ति पर 73 रन जो 70 विकेट रह गए फकीरपुर दल फकीरपुर कैप्टन टॉस जीत गई पहला बैटिंग करवा निष्पत्ति नहीं जो ना पहला बैटिंग कर गई 11 ओवर रे 73 रन बने गए निजर 7 विकेट हरी सैरी ना 11 ओवर 73 रन 7 विकेट सामने वाली टीम के ऊपर चलकर हल्ला बोलते हुए पूर्णा कटक की टीम दोनों टीम एक एक मैच जीतकर इस दूसरे लीग राउंड में पहुंच चुके हैं लेकिन इस राउंड में कौन सी टीम को क्वालिफाई होगा वो क्वार्टर फाइनल की तरह आपको थोड़ी देर के बाद खेल ही बताएगा कि कितना रनों का टारगेट दे पाती है फकीरपुर की टीम कप्तान इस बार स्ट्राइक पर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज संबित आए हैं संबित का तीसरा ओवर पारी का 12वां ओवर 73 पर स्कोर रुका हुआ है संबित सामने सानुजा कप्तान पहली गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बुलटस गेंद जरूर थी लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बल्ले और गेंद के बीच शॉट के साथ इस ओवर का शुरुआत हुआ है कि बड़ा मैच जो भी जीतेगा वो सीधे क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करेगा उस हिसाब से आपको गेंद गेम को खेलना है उस हिसाब से आपको अपने क्रिकेट को खेलकर आगे की तरह बढ़ाना है लेकिन फिलहाल मैदान पर अपना रवैया अपनाते हुए कोरोना कटक की गेंदबाज थोड़ा सा चढ़कर हल्ला बोलते हुए फकीरपुर की बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और एक बेहतरीन लाइन कप्तान को यहां पर चकमा देते हुए इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था 110-120 के करीब जाने का प्रयास करेंगे
लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रही है कि क्या वो 100 का आंकड़ा भी छू पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है पुराना कटक की गेंदबाजों के हाथ से, बल्लेबाजों को वो गेंद को पढ़ना और गाड़ एक रन लेना भी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर फिर से बेहतरीन गेंद, पैर को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, कहां पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। चार डॉट गेंद आ चुके हैं इंटू बॉल में, कमाल की गेंदबाजी। संबित का पहला ओवर लेकर आए थे कप्तान के एक मैन अस्त्र कहा जाऊंगा, एक विकेट टेकिंग गेंदबाज। इस बार थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट का इशारा, 74 पर पहुंच गया 74 रन। 12वां ओवर चल रही है, इसके पास आपके पास और 3 ओवर का खेल बचेगा, यानी 18 गेंदों का खेल बचेगा इसके बाद, और उस ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास जरूर करेंगे फकीरपुर के बल्लेबाज। और एक बेहतरीन गेंद ऑफ साइड पर, 5 डॉट गेंद खेल चुके हैं सानुजा, कोई वाइट के चलते इस ओवर में एक रन आया है, लेकिन वो बल्ले से रन अभी तक नहीं निकला है। पहुंच जाएंगे बल्लेबाज सुरक्षित अपने स्थान पर। ओवर का हुआ समाप्त, 12 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 12 ओवर सफल परिसमाप्ति पर फकीरपुर का दलीय रन संख्या पहुंची 76 रन, जो 7 विकेट हरी करी, और 3 ओवर का खेल शेष, 18 बॉल का खेल शेष, और ये 18 बॉल रे कितने रन संग्रह करी, कितने रन का टारगेट दे पारुजन पुरुणा कटक का सामना रे। फकीरपुर का दल टॉस जीती पहला बैटिंग करवा निष्पत्ति नहीं जन, और प्रथमे बैटिंग करी 12 ओवर रे 76 रन बने निज 7 विकेट पर जन, और 3 ओवर का खेल शेष, और बैट्समैन दोनों बल्लेबाजों के बीच थोड़ा सा वो बातचीत चल रहा है कि किस प्रकार से स्कोर को बढ़ा जाए, क्योंकि आपकी गेंदबाज जब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे उनके पास कुछ रन चाहिए, वो लड़ाई करने के लिए इस मैच इस मैदान पर वो लड़ाई करने के लिए कुछ रन तो जरूर चाहिए। यहाँ पर फकीरपुर टीम की गेंदबाजों को क्या वो अपने गेंदबाजों का हिसाब से वो रन लगा पाते हैं बोर्ड पर, अगर अच्छे टोटल हो गया उनकी गेंदबाजी के अटैक देखकर तो फिर कहीं ना कहीं आप फकीरपुर इस मैच में थोड़ा सा वापसी कर सकते हैं गेंदबाजी के लिए। सुमंता ने सुमंता अपना तीसरा ओवर लेकर आए हैं, पहली गेंद का थोड़ा सा झटका दिया है, बच्चन का विकेट मिला है, 8वां झटका लग चुकी है फकीरपुर की टीम को। ये आखिरी जोड़ी है, आखिरी विकेट, 9 विकेट गिर चुके हैं। पर्याय गेंद, नए बल्लेबाज धीरू धीरू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, आखिरी विकेट, टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो अनिल ने सिर्फ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, उनके इर्द गिर्द में जितने भी बल्लेबाज आए उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, और धीरू आए हैं आप बल्लेबाजी के लिए। यहाँ पर
जो रन की गति है वो गति थोड़ा सा डाउन होता हुआ, क्योंकि विकेट नहीं है इनके हाथ पर आखिरी जोड़ी। बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल सामने की तरफ डाला हुआ गेंद, डिफेंस के बल्लेबाज। 13 ओवर का खेल चल रही है, इसके बाद और 2 ओवर का खेल बचेगा। आखिरी जोड़ी क्या विकेट लेने के प्रयास करेंगे हम पर गेंदबाज। एक विकेट ले जाते हैं तो फिर हम रन पर रोकने का जो कोशिश किए थे। कोरोना कटक की गेंदबाज, कोरोना कटक के कप्तान वो शायद उनकी जो गेंद प्लान है वो सफल हो सकती है। चलिए एक रन यहां पर बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज, एक रन के चलते 77-77 पर पहुंच गया स्कोर। बढ़िया गेंद, बैट्समैन के साथ विकेट की बॉल भी होते हुए विकेट के करीब वहां पर खड़े हुए हैं। बैरन के हिसाब से रन चला यहां पर, इसे एक रन के चलते 78 पर पहुंच गया स्कोर फकीरपुर का। आखिरी गेंद 33 ओवर का, इसके बाद और 2 ओवर का खेल बचेगा। ये आखिरी जोड़ी है वो 2 ओवर किसको डलवाएंगी यहां पर रोना कट्टा की कप्तान। इसी बीच 13 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 13 ओवर समाप्ति के बाद 78 रन, 9 विकेट के नुकसान पर फकीरपुर, और 2 ओवर का खेल बचा है। 13 ओवर का खेल हुआ समाप्त जाने और 2 ओवर का खेल बचा है, और इस 2 ओवर में कितना रन बनाने का प्रयास करेंगे। इस ओवर में 2 विकेट की तलाश में जरूर आएंगे यहाँ पर रोना कटक की गेंदबाज। जिस तरह से इनकी गेंदबाजी चली है, इस तरीके से इनकी अप्रोच, जिनकी इनके माइंडसेट चला है इस मैच में, एक बड़े मंच पर बड़ा पंच मारने की कोशिश कर रहे हैं रोना कटक के खिलाड़ी, और उसमें उनका सफलता मिली है इनको, फकीरपुर टीम को। सुप्रभात, सामने तनुजा, ऑफसाइड पर खेला हुआ शॉट, इसी के साथ पहला रन दौड़ चुके हैं, स्टंप पर लगी है ये स्पिन के चलते, और एक रन, इसी रन के चलते दल का स्कोर पहुंच चुका है 80 पर पहुंच गया स्कोर। और कितने रन यहां पर आएंगे वो बोनस रन रहेगा। आखिरी जोड़ी जितना रन यहां पर समेट पाते हैं उतना रन बनाएंगे उनके जो गेंदबाजों, जब उनके गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, वो एक बढ़िया टोटल जब आपके सामने होगा तो आप अच्छी तरीके से वो गेंद को डाल सकते हो। अपने सिचुएशन के हिसाब से आप गेंदबाजी करने की कोशिश करोगे, वो रिक्वायर कितने की रहेगा अपना कटक के सामने, क्योंकि 6-6 रन 5-5 रन प्रति ओवर आपको अगर बनाना है तो फिर उसके लिए सामने वाले बल्लेबाज उतना रिस्क नहीं लेंगे। उसके लिए जब गेंदबाजी करने के लिए उतरेगा फकीरपुर की टीम, थोड़ा सा वो अटैकिंग सोच के साथ गेंदबाजी करना पड़ेगा। अगली गेंद इस ओवर का, सामने तनुजा कप्तान फकीरपुर का। बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला हुआ, एक रन लेने का प्रयास किए थे लेकिन कोई रनों की गुंजाइश नहीं। छक्का चौका की आवश्यकता है, आप बड़े शॉट खेलने की कोशिश तो जरूर जारी है लेकिन बड़ा शॉट खेलने का क्षमता क्या ये बल्लेबाज के पास है, वो बड़ा छक्का लगाने की वो ताकत, वो काबिलियत क्या ये बल्लेबाज के पास है, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। 9 विकेट गंवाने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई टीम फकीरपुर का, ये सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक रन यहां पर मिला है और इसे एक रन के चलते 81-81 पर पहुंच गया स्कोर फकीरपुर टीम का। आखिरी ओवर तक खेलने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आखिरी ओवर तक खेलेंगे तो कुछ रन यहां पर बना सकती है
हीरो सामने शॉर्ट गेंद, बड़ा शॉर्ट खेलने की वो एबिलिटी शायद इन दोनों बल्लेबाजों के बीच साथ नहीं ऐसा प्रतीत हो रही है। उल्टा गेंद पहले की दिशा में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, चार रन मिल चुका है। गेंदबाजी के लिए और सामने बल्लेबाज तनुजा, छह गेंदों का खेल से 85 पर स्कोर रुका हुआ है। करने का प्रयास, पांच गेंदों का खेल से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फकीरपुर के कप्तान, पहले टॉस जीतकर 14 ओवर में 85 रन, 9 विकेट गवा चुके हैं और एक बेहतरीन गेंद। अपील तो जोर से हुआ था, क्या लगी है या नहीं लगी है, उंगली खड़ी हो गई, अब क्या गई आई पारी, यहाँ पर हुआ समाप्त, कहा गया तो खेल नहीं पाया है। फकीरपुर की टीम 85 रन बनाए हैं, 86 रनों का लक्ष्य रहेगा यहाँ पर पूरा मतलब के सामने, 15 ओवर में जिनकी ले चाहिए 86 रन।
बच्चन दो गेंदों में जीरो रन, दिलुबाख्या छह गेंद पांच रन, इसी के साथ इनका दल का स्कोर पहुंच चुका है 85 पर पहुंचा और 85 यानी 86 रनों का लक्ष्य दिया है इस मैच में और वो 86 रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी इस बार पुराना कटक की टीम। फकीरपुर के पास क्या वो गेंदबाजी का एबिलिटी है जो 85 रन को रोक सकती है इस मैदान पर। थोड़ी देर के बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे लाइव एक्शन फकीरपुर वर्सेस पुराना कटक। 85 रनों का टारगेट रहेगा, 15 ओवर का मैच, थोड़ा सा बादल यहाँ पर आ चुका है मैदान के ऊपर, बारिश का संभावना हो सकती है, ठंडी हवा चल रही है। भूख लग गया? कैसे भूख लगा? गया खाली देख लिया तो खा रहे हैं।
फैसला के 14 ओवर दो गेंदों में अपना 10 खिलाड़ी आउट होने के बाद सिर्फ 85 रन बनाए हैं और 86 रनों का लक्ष्य रखा है पूर्णा कटक के सामने। और पूर्णा कटक की कप्तान गोलरुद रहेगा, अपना गेम प्लान रेडी रखे। फकीरपुर की कप्तान गोलरुद अपना गेम प्लान बनाए और सीधे मैदान की तरफ रवैया करें। थोड़ा सा बादल छा चुका है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम बढ़िया अच्छा है यहाँ पर। हवा के चलते वो गेंद को हवा में उड़ाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर पूर्णा कटक की गेंदबाज, अब पूर्णा कटक के बल्लेबाज। लेकिन फकीरपुर की गेंदबाज के लिए भी एक बढ़िया मौसम रखा गया, क्योंकि आप गेंद को हवा में जितना लहराओगे उतना विकेट आपको मिल सकता है, गेंद स्विंग होने का चांस रहती है जब ग्राउंड पर हवा चलती है। হলো তো বাহারি নাই বারু আগরা কি নাই বুঝা গেলে हमारे दोनों अंपायर को अनुरोध रहेगा वो मैदान की तरफ रवैया करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पर फकीरपुर के खिलाड़ी।
क्या पहुंच चुके हैं यहाँ पर। प्रदीप सार और तिवारी जी दोनों उम्तियाज अनुभवी उम्तियाज आज इस मैच को चलाते हुए, इस मैच को खिलाते हुए बहुत बढ़िया डिसीजन देखने के लिए मिलता है कि उम्तियाजिंग में कोई खिलाड़ी निराश नहीं रहते हैं उनके डिसीजन पर। बहुत बड़ा उम्तियाजिंग और 85 रनों का लक्ष्य है। 15 ओवर का मुकाबला है, जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। लेकिन इस बार संघर्ष रहा है, संघर्ष रहेगा फकीरपुर के गेंदबाजों के सामने। क्या ये संघर्ष को अपने हाथ में रंग कर वो जीत की उमंग पर पहुंचेगा और वो जीत की परचम को लहराएगा। स्ट्राइक रे के नो स्ट्राइक रे के भाई स्ट्राइकर की नो स्ट्राइक रे की राजेश राजेश चिकू स्ट्राइक पर बल्लेबाज राजेश दादा चिकू 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 खाली नो स्ट्राइक एंड पर संग्राम स्ट्राइक पर राजेश नो स्ट्राइक एंड पर संग्राम। 85 रनों का लक्ष्य है यहां पर। कोरोना घटक के सामने जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। क्रिकेट का महामुकाबला, क्रिकेट का महासमर बीबीएल के मैदान पर वो लीग स्टेज का दूसरा राउंड हो चुका है शुरुआत। दोनों टीम एक एक मैच जीतकर आमना सामना किए हैं इस बार। दोनों टीम के खिलाड़ी वो अपना जोश जज्बा जुनून के साथ उतर चुके हैं। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। गेंदबाजी के लिए पहला ओवर सामना। पहला ओवर सामना स्ट्राइक पर राजेश, नो स्ट्राइक एंड पर संग्राम और अपलेगा 5 ओवर 85 रनों का टारगेट। चलिए एक महामुकाबला दोनों टीमों के बीच शुरुआत हो चुकी है वो क्रिकेट का जंग। 85 रनों का टारगेट पीछा करने के लिए उतर चुकी है पूर्णा घटक। पहला ओवर पहली गेंद 85 का टारगेट। लीग मैच का दूसरा राउंड दूसरा इनिंग पहली गेंद फुल टॉस ऑफ साइड पर कवर की दिशा में एक रन के साथ अपना खाता खोलते हुए बल्लेबाज राजेश अब साइड पर पहुंच चुके हैं संग्राम। क्रिकेट का क्रिकेट एक खेल नहीं, हर एक युवकों के दिल में कुछ जुनून बन चुका है और उस खेल को खेलने के लिए यहां पर उतर चुकी है दो प्रतिद्वंदी टीम। एक तरफ पूर्णा घटक, दूसरी तरफ फकीरपुर। जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। जीतने का जीत, आगे जाने का सफर। बल्ले और गेंद के बीच होगा यहां पर बड़ा टक्कर। वो टक्कर कमाल का रहेगा। संग्राम बाएं हाथ के बल्लेबाज पैरों पर गेंद डाले हैं, यॉर्कर के साथ स्वागत किए हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद डॉट, पहला रन स्कोरबोर्ड पर चढ़ चुका है राजेश के बल्ले से।
अगली गेंद तोमर का, गेंद को हवा में मारने का प्रयास, हवा चल रही है ग्राउंड पर, थोड़ा सा बादल छाया है, मौसम बिगड़ चुका है, लेकिन फिलहाल मैदान पर एक क्रिकेट का मौसम बना हुआ है। हकीमपुर वर्सेस कोरोना कटक, ये रवैया रुख अपनाते हुए यहां पर उल्टा गेंद पैरों पर डाले थे, लेकिन खोद कर निकाले हैं इस बार संग्राम और इसी रन के साथ अपना खाता खोले हैं। जीत की परचम लहराना है तो फिर जीत रखना पड़ेगा, वो सामने की टीम को हराना है तो फिर वो टक्कर यहां पर देना पड़ेगा। बराबरी का टक्कर क्या हो सकती है, फिर से एक बार स्ट्राइक पर आदेश। चलिए बढ़िया गेंद, हल्का सा डिफेंस किया है, लेकिन जोश जज्बा के साथ यहां पर खेल को आगे बढ़ाते हुए फकीरपुर की गेंदबाज सहंगा विकेट की तलाश में, विकेट की फिराक में नजर आ चुके हैं, छक्के की तलाश में कोरोना कटक के बल्लेबाज, हाँ तो खेलने की कोशिश, लेकिन जवाब कड़क है यहां पर। सहंगा का पहला ओवर हुआ समाप्त, एक ओवर समाप्ति के बाद दो रन बिना किसी नुकसान पर कोरोना कटक 85 का टारगेट है। ये बीडीपीएल का मैदान है, एक ओवर का खेल हुआ समाप्त, दो रन बिना किसी नुकसान पर कोरोना कटक। बीडीपीएल क्रिकेट कार्निवाल 2023 का कारवा पहुंच चुकी है आठवें दिन पर। 27 नवंबर सोमवार के दिन ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, लेकिन 8 दिन हो चुका है और उसी 8 दिन में क्या रोमांचक मैच देखने के लिए मिला है। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, अरवंगा क्लब का हर एक सुपरस्टार अपना खेल का प्रतिभा दिखाकर इस मैदान पर इस टूर्नामेंट में खेल कर वो खुशी का लहर हर एक खिलाड़ी की मन पर चढ़ रहा है और उसका प्रयास करते हुए बीडीपीएल कंपनी की तरफ से आयोजित किया गया ये क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का कारवा पहली बार लेकर आया है बीडीपीएल कंपनी। तुम जाएंगे तो मैं जो साइड पे रहेंगे और सारे वॉलंटियर को रोक रहेगा अपने अपने जमीन पर बैठ जाए, क्योंकि गेंद बाहर की तरफ जा सकती है, थोड़ा सा बादल छाया है आसमान के ऊपर। समझ रहे हैं आप, दूसरा ओवर डालने के लिए कप्तान, सामने बल्लेबाज संग्राम बाएं हाथ की बैट्समैन, खिलाड़ी एक लेग साइड पर बाहर की तरफ फेंके हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज के लिए दूसरा ओवर की पहली गेंद। गेंद को लेग साइड पर मारने का प्रयास किए थे, लेकिन कमाल की गेंदबाजी सानुजा कप्तान फकीरपुर का, अपने अपने खेल का प्रतिभा, अपने अपने टैलेंट की कला दिखाने के लिए उतर पड़े हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। तानुजा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जोश के साथ गेंदबाजी करते हुए बचाते हैं, 85 रन का टारगेट है। इस टारगेट को हमको अगर डिफेंड करना है तो फिर अटैकिंग सोच के साथ गेंदबाजी करना पड़ेगा और वो अटैकिंग गेंदबाजी करने के लिए वो अटैक करना पड़ेगा सामने बल्लेबाजों को। थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव हुआ है यहाँ पर, बैकवार्ड स्क्वायर लेग को पीछे रखे हैं और चारों तरफ दर्शक बीडीपीएल की मैदान। बड़ा सा खेलने का प्रयास, गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे स्टेट बाउंड्री के बाहर, ऊंची दूरी और छक्के की मंजूरी, बल्लेबाज संग्राम का बल्ला। आठ पर पहुंच गया स्कोर, फिर से लेग साइड पर हवा में तैरती हुई है पैर लेग के हिसाब से वन आउट चौका, बैक टू बैक बाउंड्री संग्राम का बल्ला, माशाल्लाह।
चलेगा इस ओवर का। चलिए तमाम मुश्किल मुसीबतें तमाम है इस खेल में, जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मंजिल है, वो मंजिल को पाने के लिए यहाँ पर उतर चुकी है हबीबपुर की टीम, उतर चुकी है कोरोना कटक की टीम। बढ़िया गेंद, थोड़ा वापसी करते हुए सरगुजा, लेकिन बहुत ही बढ़िया ओवर निकालता हुआ यहाँ पर कोरोना कटक के लिए। दूसरा ओवर का खेल हुआ समाप्त, दो ओवर समाप्ति के बाद 12 रन बिना किसी नुकसान पर कोरोना कटक एक रवैया अपना चुके हैं। बाएं हाथ की बल्लेबाज संग्राम का बल्ला अल्लाह बोलता हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर मौसम ठंडा है लेकिन जो मैदान पर खिलाड़ी है उनके दिल उनके खून गर्म है। असान अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, बरसाने के प्रयास शानदार को कैच चाहिए सामने बैट्समैन राजेश, उल्टा गेंद लेग साइड पर फ्लिक करने का प्रयास वाइट, एक्स्ट्रा रन के साथ इस ओवर का हुआ है शुरुआत, 13 रन पर पहुंच गया इस वाइट के चलते। देखिए गलती आप नहीं कर पाओगे, यहां पर एक्स्ट्रा रन दोगे तो फिर एक्स्ट्रा रन के चलते। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पर सानंदा के हाथ से निकलता हुआ सामने राजेश, इस बार सामने की तरफ खेले हैं, एक रन देकर स्ट्राइक पर संग्राम को लाए हैं बैट्समैन राजेश, और संग्राम जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का एक चौका वो गगन चुंबी, उसके बाद लेग साइड पर एक चौका वो छक्का चौका लगाकर सामने वाले टीम को थोड़ा सा चौकन्ना किया है। शरीर की तरफ और देखा जाए तो फिर संग्राम यहाँ पर जो पेडलाइन पर गेंद आ रही है उस पेडलाइन को थोड़ा सा पीक नहीं कर पा रहे हैं, धीमी गति की गेंद को उतना अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसका फायदा जो मिल रही है यहाँ पर फकीरपुर के गेंदबाजों को। उल्टा बड़ा शॉट मारने का प्रयास, विकेट कीपर के हाथ से मिस फील्ड हुआ है, वह गोल मिला है कोरोना कटक की टीम को, इस चौके के चलते का स्कोर पहुंच चुकी है यहाँ पर 18 रन। ये तीसरा ओवर चल रही है, 18 पर पहुंच गया स्कोर, 85 का टारगेट है और इस तरीके से एक्स्ट्रा रन आपको इस मैच में धीरे धीरे से वो बाहर की तरह निकलता चला जाएगा। फिर से फुलटॉस गेंद को फुलटोल करने का प्रयास कर रहे हैं संग्राम, लेकिन जो गति है इस खिलाड़ी के पास उस गति में बल्लेबाज को बीट करते हुए तेज रफ्तार से डाल रहे हैं, काफी दूर से दौड़ कर आ रहे हैं वो गेंद रिलीज करने का तरीका, और एक बेहतरीन गेंद चारों खाने चीज बल्लेबाज संग्राम। तीसरा ओवर का खेल हुआ समाप्त, 3 ओवर समाप्ति के बाद 18 रन बिना किसी नुकसान पर कोरोना कटक। ये जैसे ये टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे जाएगा उसी तरीके की आपको खेल का प्रदर्शन नजर आएगा, कोई खिलाड़ी नहीं चाहेगा कि किसी की टीम हारे, यहाँ पर एक एक मुकाबला जीत चुके हैं लेकिन ये हार जीत का खेल है, कोई टीम हारेगा कोई टीम जीतेगा लेकिन हार भी ऐसा हार होनी चाहिए जो चर्चा आपका यहाँ पर लगे रहनी चाहिए। हमने लीग जो पहले राउंड में देखा काफी वन साइडेड गेम हुआ था, लेकिन ये जो राउंड चलेगा इसमें आपको वो लड़ाई बिल्कुल नजर आएगी, वो कंटेस्ट मुकाबला नजर आएगी, तो जीतेगा वो आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। अटल आए हैं हवा डालने के लिए और खेली गेंद थोड़ा सा धीमी गति से डाला हुआ गेंद था सामने बल्लेबाज राजेश, सिर्फ 2 रन बनाए हैं इनके बल्ले से अभी तक बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिला है, वो बाउंड्री की तलाश में नजर आ रहे हैं।
फुल टॉस गैस और फुल टॉस गैस को फुल टॉस कर देगा भाई आसमान में उठ लो बन के ऊपर से सामने की तरफ मारने का प्रयास गति में परिवर्तन अटल आए हैं और अटल को अटल रहना पड़ेगा। अरे गिरने से डरेगा तो उड़ेगा कैसे, ये क्रिकेट का मैदान है जनाब, यहां पर डरेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। जीतने की उम्मीद को जगा जा सकता है, इसका परिणाम अब दिखा चुकी है फकीरपुर के गेंदबाज अटल, विकेट लिए हैं विकेट के साथ, यहां पर थोड़ा सा पार किए हैं पूर्णा घटक की टीम को और वो बार का पलटवार, पलटवार क्या कर सकती है पूर्णा घटक की बल्लेबाज, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए दिखा अटल की अगली गेंद, एक विकेट एक झटका लग चुकी है पूर्णा घटक को। पहली गेंद लेग साइड पर वन बॉल टू बॉल चौका मिला है, वो बॉल का पलटवार किया है, छब्बीस रन पर पहुंच गया स्कोर इस चौके के साथ। अगली गेंद इस मैच को खींचना है तो फिर वो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पावर प्ले का आखिरी ओवर अनिल आए हैं आप इस पावर प्ले के आखिरी ओवर डालने के लिए, पांचवा ओवर सामने संग्राम।
अनिल बल्लेबाजी में अच्छा गेंद या गेंदबाजी में है वो गोल खिला पाते हैं। पहली गेंद सामने की तरफ सीधा शॉट, मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात किए हैं यहां पर अनिल, बढ़िया सोच, बार के ऊपर बार, उसी के साथ एक पलटवार भी किया है, विकेट मिला है, जोश आया है, जुनून आया है, सामने तरफ विकेट का माहौल छाया है। उल्टा ऑफ साइड पर संग्राम बतौर ओपनिंग बैट्समैन, थोड़ा सा वाइड कमान गेंद लेकिन बहुत ही बढ़िया अंपायर है यहां पर दोनों अंपायर के बीच। ये क्रिकेट का जंग, दो खिलाड़ी दो टीम आमने सामने दो गांवों के बीच ये लड़ाई है। गेंद से पैरों पर गेंद, संग्राम बल्ला चला रहे हैं लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। कमाल की गेंदबाजी अनिल, ये बल्लेबाजी भी, ये खिलाड़ी बल्लेबाजी भी करना जानता है, गेंदबाजी में है वो बल्लेबाजों को डराना भी जानता है। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट लेकिन थोड़ा सा वार का पलटवार करना होगा कोरोना घटक के बल्लेबाजों को। किसके पैरों पर फुफला खोल गेंद, वो तीनों स्टंप के बीचों बीच गेंद को खत्म कर रहे हैं और मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का, मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को सिंगल रन बटोरने का। अच्छी तरीके से वो जाल में बांध कर रखे हैं बल्लेबाजों को। उल्टा गेंद ठीक से एक बार तेजी गति से डाला हुआ छटपटाते हुए संग्राम, अभी तक एक सिंगल नहीं ले पाए हैं इस ओवर में। ये प्रेशर रहती है जब आपका विकेट जाता है और उस प्रेशर से उभर कर निकलना पड़ेगा, वो छक्के चौके की बरसात दिखाना पड़ेगा कोरोना कटक के बल्लेबाजों को। राही बनकर वो रास्ते में चलना पड़ेगा। चलिए इसी बीच ओवर का हुआ समाप्त, पांच ओवर मैडम विकेट अनिल कुमार की खिलाड़ी है यार, बल्लेबाजी में भी एक इंपैक्ट इनिंग्स और जब गेंदबाजी के लिए आए तो फिर मैडम ओवर, पांच ओवर का खेल हुआ समाप्त 26 रन दो विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया है, पावर प्ले के बाद क्या उस इंटेंट के साथ उस माइंडसेट के साथ क्या ये गेम को आगे ले जाए ले जा पाएगा फकीरपुर की टीम। पांच ओवर में 26 रन दो विकेट, यहां पर फील्ड खुलेगा, यही तो मजा आता है जब एक जीती हुई टीम सामने वाली टीम के साथ टक्कर होती है। तो देखने वालों का अनुरोध रहेगा अंपायरों को कि वो जल्दी से गेम को शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी अपना गेम प्लान करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है, थोड़ा सा लेट ये गेम शुरू हुआ था, आज 3 बज गया था गेम शुरू होते हुए। अमूल्य नए गेंदबाज, अमूल्य सामने बल्लेबाज उला, फील्ड खुला है और प्ले के बाद अगर फील्ड पोजीशन की बात करें एक एक्स्ट्रा कवर फील्डर को बाहर की तरफ भेजे हैं, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। एक लॉन्ग लेग फील्डर स्क्वायर लेग पहली गेंद कलाई के साथ एक सिंगल मिला है यहां पर और ज्यादा तौर से यहां पर आपको सिंगल ही नजर आएंगे क्योंकि पावर प्ले खुल चुका है तो फिर बाउंड्री के बाहर सारे खिलाड़ी जा चुके हैं, 5 खिलाड़ी 30 गज के बाहर रहेंगे, इतना आसान नहीं रहेगा वो बड़ा शॉट खेलना। अमूल्य सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज संग्राम जो कि आप पिछले ओवर में एक रन भी नहीं बना पाए थे, मैडन ओवर खेले थे, फिर से एक बार डॉट गेंद, ये डॉट गेंद चुभेगा, दिल को चुभेगा, दिमाग को चुभेगा, 85 का टारगेट है और
कुछ छोटा टोटल जरूर है, लेकिन इस मैच को बनाते हुए फकीरपुर की गेंदबाज पता है इनको कि क्या रणनीति रखना है, सामने वाली टीम के ऊपर क्या गेंदबाजी करना है, क्या फील्ड सेटअप रखना है, उस प्रकार से आज गेंदबाजी हुआ है। अमूल्य फिर से एक बार तैयार, सामने संग्राम थोड़ा सा फील्डिंग में हलचल हुआ है, लेकिन अनुरोध करना चाहूंगा कप्तान फकीरपुर के कि वो जल्दी से गेम को चलाएंगे। फिर से फुल टॉस गेंद, बार बार लगातार डॉट पर डॉट खेलते हुए बल्लेबाज संग्राम, एक ही शॉट एक ही पोजीशन, उसी पोजीशन पर गेंदबाज यहां पर अच्छी तरीके से गेंद फेंकते हुए, फिर से धीरे धीरे गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी, फकीरपुर के गेंदबाज चकमा देते हुए चकना चूर करते हुए पूरा कटक के बल्लेबाजों को बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा सा दबाव लाते हुए, दबाव दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, यही तो क्रिकेट का खेल है। अरे हारने वाला हारेगा, जीतने वाला जीतेगा, ये क्रिकेट का एक जंग है, लेकिन इस जंग को जो लड़ने आया है वो लड़ने वाला लड़ेगा, यहाँ पर पूरी तरीके से लड़ते हुए वो तन और मन को समर्पित करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी वो जीत की खोज में, पांचटा बिलो लेग साइड रखियो, नौ बॉल हवा का तो देन मान दियो, अगली गेंद बढ़िया तरीके से इस बार सिंगल कटोरा है, बड़े देर के बाद एक रन आया है, नौ गेंद खेलने के बाद एक रन यहां पर अटोटे हुए संग्राम, यानी डेढ़ ओवर मैडन गया है, ये क्रिकेट का जो खेल है एक्सेल में एक मैथमेटिक्स है, आपको वो मैच गिनना पड़ता है, क्या रन है, कितना गेंद आपके सामने है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्रोजेक्टेड स्कोर है, कितने रन पर रुकना है, सामने वाली गेंदबाज का इकोनॉमी कितना है, ये अजब खेल है, क्रिकेट को जो अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ा है वो क्रिकेट को समझ पाया है। आखिरी गेंद इस ओवर का, चलिए ऑफसाइड पर सिंगल बटोरे हैं इस बार, इसी सिंगल के चलते ओवर का हुआ समाप्त, छह ओवर समाप्ति के बाद 29 रन दो विकेट के नुकसान पर, छह ओवर का खेल हुआ समाप्त 29 रन दो विकेट के नुकसान पर, 85 रनों का टारगेट, जो जीतेगा वो सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए वो खेल को आपको अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा, जो भी प्रेशर है उस प्रेशर को झेलना पड़ेगा, कैसा कैसा मुकाबला होता है क्रिकेट में, कैसे कैसे सिचुएशन आती है क्रिकेट में, सांद्रा आए हैं तीसरा ओवर डालने के लिए, नालंदा के हाथ पर गेंद, सामने उला उल्टा गेंद, थोड़ा सा कलाई का उपयोग किए हैं, संग्राम स्ट्राइक पर, और लेग साइड पर पटकी हुई है, सीधा खेला हुआ फॉरमैन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, और प्रीमियर क्रिकेट कार्निवल में दो टीम ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किए हैं, तिलेश पर और रईठाणी की टीम, ये इस टूर्नामेंट का टॉप अप पूरा रहे हैं, एक टीम 141 एक टीम 144, और ये जो मुकाबला रहेगा ये कमाल का मुकाबला रहेगा, तिलेश्वर और रईठाणी के बीच जब मुकाबला होगा तब यहां पर तब नहीं होगा,
बढ़िया गेंद और एक डॉट बॉल तारांदा खेले आए हैं खेलेंगे लेकिन थोड़ा सा यहां पर पलटवार भी करेंगे। आप जीत की तलाश में जरूर हो सामने वाले टीम लेकिन हम यहां पर जीत रहे हैं तो फिर थोड़ा सा तो चैलेंज करेंगे। चैलेंजिंग मोमेंटम चलता हुआ एक दूसरे की ताकत को परखता हुआ दोनों टीम आज मैदान पर एक जंग लड़ा है। 85 रनों का टारगेट जरूर है लेकिन इसी में जुआर का हुआ समाप्त 7 ओवर का खेल हुआ समाप्त 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फकीरपुर की गेंदबाज चक्रव्यूह रचते हुए और आप में चक्रव्यूह में है कोरोना कटक के बल्लेबाजों के ऊपर प्रभाव डालते हुए लेकिन कोरोना कटक के बल्लेबाज के पास वो एबिलिटी है वो ताकत है छक्का चौका मारने का वो कारनामा कर सकते हैं कोरोना कटक के बल्लेबाज। वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का। अनिल आए हैं गेंदबाजी के लिए और संग्राम काफी सारे डॉट गेंद खेल चुके हैं एक छक्का एक चौका तीन सिंगल 13 रन बनाए गए थे पर संग्राम पिछले टैग पर व्हाइट का इशारा व्हाइट के चलते स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर पहुंच चुकी है 32 रन। हवा चल रही है दर्शकों के मुंह में जोश जुनून तालियां चल रही है हैं और परमेश बिंदुआ है सीधे गेंद चली बाउंड्री के बाहर संग्राम के वाले से एक मिला है चौका और 49 रन चाहिए। जीत के लिए चाहिए 49 और 49 रन। इस बार सामने की तरफ खेला हुआ शॉट लोगों की दिशा में अड़तालीस रन चाहिए आप जीत के लिए कोरोना कटक की टीम को 37 पर पहुंच गया स्कोर। अगली गेंद इस ओवर का सामने बल्लेबाज इस बार होता है मारने का प्रयास वही रनों की गुंजाइश नहीं किसी भी ओवर का हुआ समाप्त 8 ओवर का खेल हुआ समाप्त 8 ओवर समाप्ति के बाद 37 रन और 7 ओवर का खेल बचा है 42 गेंदों में चाहिए 48 रन 42 का बॉल रहे 48 रन का कोरोना कटक के मैच जितवा के 42 गेंद 48 रन दूसरा राउंड जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा। रिंकू रोने कमो जो 49 रन कॉल करें ड्राइवर कृपया ध्यान दीजिए सब नंबर OD15R91 O D 15 R 91 8 0 O D 15 R 91 8 0 O D 15 R 91 8 0
चलिए 86 का टारगेट है तो फिर 49 रन चाहिए अर्जित के लिए। इस बार वाइट लांडी बॉलर की है। पचासी रन बनाकर 86 रनों का टारगेट दिए हैं, 38 रन पर पहुंच गया है स्कोर, जीत के लिए चाहिए 48 रन बाकी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। संग्राम के आउट होने के बाद बापी बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए इस ओवर की अगली गेंद अमूल्य विकेट। चार विकेट गए हैं, चार चौथा विकेट का हुआ पता। चौथा धक्का लग चुका है और बल्लेबाजी के लिए आए हैं समीर, लेकिन वो हैट्रिक बॉल हैट्रिक विकेट पाते हैं यहाँ पर अमूल्य। फिर से एक बात आया सामने गए बल्लेबाज हैट्रिक बॉल। चलिए लगभग लगभग एक इंच दूर रह गया गेंद, अगर लगता तो फिर ये विकेट हो सकता था अमूल्य। थोड़ा सा पूर्णा कटक के बल्लेबाजों को डराते हुए धमकाते हुए उल्टा गैर हवा में गेंद पर गिरा हुआ तो डमिन बिग हुआ है, चौका मिला है। ये बार के ऊपर पर बार है, एक दो नहीं चार है। कमाल की ओवर, ये और एक बार ऑफसाइड पर बाकी है। छियालीस पर पहुंच गया स्कोर, नौ ओवर का खेल हुआ समाप्त, नौ ओवर समाप्ति के बाद 46 रन चार विकेट के नुकसान पर। अब छह ओवर का खेल बचा है और जीत के लिए चाहिए 40 रन, 36 गेंदों में चाहिए 40 रन लेंगे गेंदबाजी के लिए। तानुजा
अभी जोर से हुई है, पैसा देख रहा है, उंगली खड़ा हो गया है, उंगली गिरा है, तनुजा सुल्तान एक अंदाज ज्यादा से आता क्या मैच रहा है, क्या गेम चल रहा है आज फिलिपिया के मैदान पर, एक रोमांचक मैच, फकीर को मस्त है पूर्णा कटक और तानुजा का तान चला सीना तान, पहली गेंद पहला शिकार, 35 गेंदों में चाहिए 40 रन, 35 गेंदों में चाहिए 40 रन, 46 पर स्कोर पहुंच गया है, 5 विकेट गवा दिया है यहां पर पूर्णा कटक, लेकिन वो मार वो पलटवार क्या गेंदबाजी हुई है, कमाल की गेंदबाजी के साथ फकीरपुर फिर से एक बार पूरा कटक को दहाते हुए ये मुकाबला जबरदस्त, जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में जाएगा, इन्हें ना रुको भाई, ये भाई क्वार्टर फाइनल की जीत के लिए जीत बराबर बैठ चुकी है फकीरपुर की टीम, कप्तान की गेंद, नए बल्लेबाज संबित, 35 में चाहिए 40, तानुजा सामने संबित लगातार किनारा, लेकिन विकेट कीपर की दस्तानों में से गेंद खिसका है, एक कैच से कहीं मैच ना गिर जाए हाथ से, क्योंकि कैच ना तो मैच इसलिए कहा जाता है, इस बार ऑफसाइड पर क्या पर गया था खिलाड़ी वापस है, दूसरे बोले है गेंद चली खेल की गली, 4 रन और एक चौका इस ओवर में, चलिए विकेट आया आ सकता था पिछली गेंद पर कैच छोड़ा विकेट कीपर ने, लेकिन इसके बाद वो चौका आया, मौका आया, देर आया, दुरुस्त आया, इसी चौके के साथ पचास पर पहुंच गया स्कोर इसी चौकी के साथ, बैट्समैन के पचारो दो, बैट्समैन के रिंकू संबित संबित नए बल्लेबाज, 50 पर पहुंच गया स्कोर, जीत के लिए चाहिए अब 36 रन, क्या कह रहे हैं स्पिन हुआ है विकेट कीपर के हाथ से रन का चांस, एक एक मौका सोने पर सुहागा, एक एक रन यहां पर फकीरपुर के लिए वो खून का खतरा, अपनी मेहनत के दम पर पहुंची है इस जगह पर, वो मेहनत का रंग दिखाने आया है, ये क्रिकेट का मैच है, दोनों टीम वो मैच जीतने आया है, कौन सा टीम वो मैच को जीत सकती है, बहुत ही बढ़िया गेंद हुआ, कमाल की गेंदबाजी, कप्तान की गेंद, वो बल्लेबाज को चकमा दिया, चकरा चूर किया, इसी बीच 10 ओवर का खेल हुआ समाप्त, और 5 ओवर का खेल बचा है, अब चाहिए 30 गेंदों में 35 रन, 10 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 10 ओवर समाप्ति के बाद 51 रन, 51 रन 10 ओवर समाप्त पर समाप्ति पर 51 रन, और 30 ओवर में 35 रन दरकार, 30 बॉल 35 रन, पूर्णा कटक की मैच जितवा गया है 35 रन दरकार, 30 ओवर रे अनिल पहला ओवर मैदान गया था, साइड पर संबित बहुत ही बढ़िया गेंद शॉट के साथ ओवर का हुआ है, 29 गेंदों में चाहिए 35 रन,
अगली गेंद इस ओवर का समीर ऑफसाइड पर कट कर देगा अपने आप बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और 30 रन चाहिए जीत के लिए ऑफसाइड पर धीमी गति की गेंद बहुत बढ़िया तरीके से कट करने की कोशिश ओवर का हुआ समाप्त 11 ओवर समाप्ति के बाद 56 रन अब चाहिए 24 गेंदों में 30 रन 24 गेंद 30 रन पूरा कटा तो ये मैच जीतने के लिए कमाल का मुकाबला लीग स्टेज का पहला राउंड लीग स्टेज का दूसरा राउंड शुरू हुआ है लेकिन गेंदबाजी के लिए आप गेंदबाज अटल पहली गेंद धीमी गति से डाला हुआ एक रन मिलेगा उनतीस रन चाहिए 23 गेंदों में 23 गेंद 29 रन सामने बल्लेबाज समीर दो चौका लगा चुके हैं के दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात 22 में चाहिए 28 22 गेंद 28 रन जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगा ये महा मुकाबला महासंग्राम क्रिकेट प्रयास थोड़ा सा शरीर पर लगा है लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे सिंगल बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज उनसठ पर पहुंच गया तो 27 रन चाहिए जीत के लिए की गेंद डाला हुआ टल लेकिन वो सिंगल यहां पर दिखा जाए तो नहीं रोक पा रहे हैं 7 रन पर पहुंच गया तो जीत की रेस चाहिए 26 रन और 26 रन चाहिए जीत के लिए और टाइम पर फिर से एक बार हाथ में गया हुआ शॉट ये कमाल है लाजवाब है फकीरपुर की टीम जीतने आया है जीतना जानता है डराना जानता है थोड़ा सा धमकाना जानता है यहाँ पर अपील दूर हुआ था लेकिन हुआ का हुआ समाप्त अब 18 गेंदों में चाहिए 26 रन 18 गेंदों में चाहिए 26 रन बहुत ही बढ़िया ओवर निकालते हुए यहाँ पर अटल अटल रहते हुए यहाँ पर फकीरपुर की टीम 86 रनों का लक्ष्य है लेकिन 86 रनों पर वो चैलेंज करना जानता है हारी हुई बाजी को अपने तरफ खींचना जानता है दो प्रतिद्वंदी टीमों में सामने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं अमूल्य अपना तीसरा ओवर 18 गेंदों में 26 रन सामने आ रहे बैट्समैन समीर
18 गेंद 26 रन। पहली गेंद पैरों पर वो जोश वो जज्बा वो जलवा पुरुणा कटक की टीम को बिल्कुल दबोचते हुए यहाँ पर का इशारा एक्स्ट्रा रन मिला है। एक सप्ताह पहुंच गया आपको जीत के लिए चाहिए 25 रन 17 गेंदों में चाहिए 25 रन। मानेगा भाई आप बहुत ही बढ़िया आ गए बहुत ही बढ़िया आ गए। बार बार लगातार थोड़ा सा डराते हुए थोड़ा सा धमकाते हुए थोड़ा सा चमकते हुए और अपने गेंदबाजों को चमकाते हुए कप्तान फकीरपुर का तो सीधा बल्लेबाजी करने का फैसला। अरे खूबी है मुझमें कुबैया है मुझमें खूबी है मुझमें कुबैया है मुझमें ढूंढने वाले तू सोच क्या चाहिए मुझमें। खेलने की कोशिश बहुत ही बढ़िया है नमूल्य फकीरपुर की गेंदबाज आज क्या गेंदबाजी किए हैं क्या पलटवार किए हैं पूरा घटक की बल्लेबाजों के ऊपर प्रभाव डाल चुके हैं। फिर से एक बार खड़े खड़े मारने का प्रयास अमूल्य बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अभी भी 23 रन चाहिए जीत के लिए। और बनाया है यहाँ पर समीर नायक मौका सरसा पर पहुंच गया आपको जीत के लिए जाएगा 19 रन 12 13 ओवर का खेल हुआ समाप्त 13 ओवर समाप्ति के बाद 67 रन 12 गेंदों में चाहिए 19 रन जीत के लिए चाहिए 19 रन। तनुजा कप्तान आए हैं इस बार तनुजा कप्तान की गेंद उड़ाया है कोरोना कटक की थोड़ा सा चैन वो चैन से जीने नहीं दे रहे हैं चैन से रहना नहीं दे रहे हैं क्या गेंदबाजी किया है कप्तान चला सिराता तनुजा तो जीता बल्लेबाजी करने का फैसला किया 15 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 85 रन बनाए 86 रनों का लक्ष्य दिए लेकिन जवाब में करारा जवाब दिया है पूरा घटक की टीम को। आग बनता हुआ गेंदबाजी उस गेंद को पार नहीं पा रहे हैं रोक नहीं पा रहे हैं छह विकेट गंवाते हुए नए बल्लेबाज सूर्य आए हैं 19 रन चाहिए 11 गेंदों में। सूर्य अरे आदर करो संस्कार करो सूर्य को नमस्कार करो पूरा कटक का ये बल्लेबाज क्या बल्ला हो गया है तेरा रन चाहिए जीत के लिए कमाल की बल्लेबाजी एक छक्का एक चौका ये सूर्य की तरह खेलता हुआ 9 रन चाहिए फिर से बड़ा पर खेलने की कोशिश
नौ रन चाहिए जीत के लिए। फिर से एक बार सूर्य धक्का देगा, हो गया। एक रन मिलेगा पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन भी पूरा करते हुए और चाहिए सात रन। जीत के लिए चाहिए सात रन। आज करके बनाया किया उल्टा साइकिल रुकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रन मिला है, ओवर का हुआ समाप्त। 14 ओवर समाप्ति के बाद 14 ओवर का खेल हुआ समाप्त। अस्सी पर पहुंचा स्कोर, अब चाहिए 6 गेंदों में 6 रन। 12 में चाहिए था 19, लेकिन सूर्य का बल्ला फिर से एक बार हल्ला बोलता हुआ। अरे हरी हुई बाजी को जीता जा सकता है, हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, और ये हुनर यहाँ पर सूर्य से सिखा जा सकता है। सूर्य 2 गेंद 10 रन, 3 गेंद 11 रन, थोड़ा सा डराया है, थोड़ा सा धमकाया है, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी किया है यहाँ पर फकीरपुर की गेंदबाज साथ देना पड़ेगा, लेकिन अंत भाया तो सब भाला। 6 में चाहिए 6। अटल आए हैं, क्या इस मैच को अटल कर सकते हैं? इनके हाथ में मुकाबला कल हमने देखा था अर्शदीप सिंह सामने, अर्शदीप सिंह 10 रन को डिफेंड करने के लिए उतरे थे, आज उतरे हैं अटल। चढ़ेगा वो क्वार्टर फाइनल के लिए किस टीम का नाम? उर्ला कटाक क्रिया पे है फकीरपुर, मैच है काफी दूर। 5 गेंद 6 रन, कहने के लिए लीग मैच है, लेकिन फाइनल से ये चमत्कार लगता हुआ। सातवां धक्का लग चुका है यहाँ पर, 5 में चाहिए 6 रन। अटल आए गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाज सुब्रत गलती कर बैठे खिलाड़ी, गलती ये है फील्डिंग का गलती। अब 4 में चाहिए 5, 4 गेंद 5 रन। बल्लेबाज समीर, ये हो नहीं हुंकार है, ये दम नहीं दमदार है, पैरों पर फ्लिक किया है लेग साइड पर। 1 रन पे मिलेगा यहाँ पर, इसी 1 रन के चलते दमदारपुर पहुंच चुकी है। तीन बॉल 4 रन दरकार। अटल की गेंदबाजी, थोड़ा सा धमकाया है। अरे जमीन पर रहकर क्यों आसमान नापता है, जमीन पर रहकर क्यों आसमान नापता है? अपना पंख खोल, क्योंकि जमान आजकल उड़ान देखता है और उड़ान भरा है यहाँ पर अटल की गेंदबाजी से। क्या गेंदबाजी किया है फकीरपुर के गेंदबाज, पिछले ओवर में जरूर कप्तान को एक छक्का एक चौका गिराया था। 6 गेंदों में चाहिए था 6 रन, लेकिन कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर अटल, एक ओवर सफलता दिलाते हुए। मैं बल्लेबाज
आपकी आए हैं दो गेंद चार रन। लेफ्ट साइड पर मिला हुआ शॉट खिलाड़ी यहां पर तैनात पहली रन तेजी के साथ एक गेंदों में चाहिए तीन रन। पब्लिक को यहाँ पर जितवार में हार ली ओ ये मैंने फील्डिंग करी ना 34 दबो है ना लास्ट मोमेंट रे स्लिप लगा तो वैसा 30 रे भोकवा खेलो खेलो जना फकीर स्लिप डाल तो वैसा से पुस्तक कहां दरकार यार दोनों टीम को अनुरोध वो अपना प्लेयरों को लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएंगे। क्या मुकाबला रहा है पैसा वसूल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है यहां पर कोरोना कटक की टीम अंत तक मुकाबला गया था आखिरी गेंदों पर ऑलरेडी फकीरपुर के हाथ में ये गेंद था लेकिन ये हार जीतता खेल है कुछ भी हो सकती है पैसा रहता है थोड़ा खिलाड़ियों के ऊपर और वो पैसा यहाँ पर प्रेशर से हारा हुआ गेंद है। बढ़िया सिचुएशन रहा था बहुत बढ़िया मुकाबला था ये फकीरपुर वर्सेस कोरोना कटक लेकिन शाम का मुकाबला आप शाम का मुकाबला फिर रामचंद्रपुर वर्सेस फुरगुट्टा के बीच ये मुकाबला चलेगा दूसरा लीग मैच आज का फिर रामचंद्रपुर वर्सेस फुरगुट्टा की टीम के बीच होगा दूसरा मुकाबला। दोनों टीम को अनुरोध रहेगा वो अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएंगे।
अपने खिलाड़ियों को लेकर हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आएंगे। आपको उसमें तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे एक रोमांचक मुकाबला फकीरपुर वर्सेस कोरोना कटक। दोनों टीम अंत तक लड़ी लेकिन अंत भला तो सब भला यहाँ पर फकीरपुर की किस्मत में वो मैच नहीं था, कोरोना कटक के हाथ पर गया और बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चैलेंज नहीं किया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मुकाबला था। दोनों टीम के टीम को कप्तान कौन रहेगा वो लाइनअप रखेंगे। कोरोना कटक की कप्तान अपने सारे खिलाड़ियों को लेकर कमेंट्री बॉक्स की तरफ रवैया करेंगे। रिंकू के लिए दोनों टीम को अनुरोध रहेगा वो लाइनअप रखेंगे यहाँ पर। चलिए आज का जो एक मुकाबला था पूर्णा प्रकाश वर्सेस फकीरपुर के बीच, लेकिन ये कमाल का मैच देखने के लिए मिला है आज। 86 रनों का लक्ष्य था लेकिन आखिरी गेंद तक वो मुकाबला गया था और दो विकेट से ये मैच को जीत चुका है यहाँ पर कोरोना कटक की टीम। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैच समरी के बारे में बात कर लेते हैं। जब फकीरपुर की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरा था तो फिर फकीरपुर के दोनों बल्लेबाज खासतौर से बसंता 16 गेंदों में 8 रन, गौरांगा 2 गेंदों में 4 रन, अनिल 27 गेंदों में 36 रन, धीरेन 5 गेंद 3 रन, सिपुन 1 गेंद 0 रन, अटल 6 गेंद 5 रन, सारंग 6 गेंद 8 रन, अमूल्य 1 गेंद 0 रन, संजय 14 गेंदों में 5 रन, बच्चन 2 गेंदों में 0 रन और धीरू पाछा 6 गेंदों में 5 रन। इसी के साथ वो 85 रन बनाकर 86 का टोटल ले रहे। जवाब है जहां पर बल्लेबाजी के लिए उतरी कोरोना कटक की टीम तो फिर राजीव राजेश 8 गेंद 6 रन, बहुत बड़ी बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी था फकीरपुर की गेंदबाज। और मैं यहाँ पर कप्तान को बुलाना चाहूंगा, फकीरपुर के कप्तान को। कैसा लगा मुकाबला? काफी जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए मिला और खासतौर से आपका जो ओवर था
उसमें इतना विकेट लेना, कैसा सिचुएशन में कैसा फीलिंग हो रहा था, क्या गेम प्लान था वो 36 को लेकर? ठीक है फिर, बहुत बढ़िया खेले, कंग्रेचुलेशन। ऐसा मुकाबला इस टूर्नामेंट में पहली बार एक जोरदार संघर्ष देखने के लिए मिला, लेकिन अंत भला सब भला किस्मत का साथ था। क्रिकेट पर मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर कोरोना कटक के कप्तान को, विनिंग कैप्टन कोरोना कटक का। छियासी रनों का लक्ष्य था, आप जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, पहले आपको गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, उनको अच्छी तरीके से रुके आप 85 रन पर, लेकिन ये जो 86 रन आखिरी गेंद, क्या उम्मीद था आखिरी गेंदों पर, आपके माइंड पर क्या चल रहा था, मैच जीतोगे या फिर हार की कगार में आपका वो माइंड चला गया था? मेरे को लग रहा था सुपर ओवर होगा, लेकिन अच्छा चला, लेकिन कीपर की वजह से थोड़ी सी खाली क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वो कैसा लग रहा है इस बार? नहीं अच्छा लग रहा है, लोग भी साथ कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। तो कैसा लगा आज का माहौल, कैसा था आज का मुकाबला, कैसा था थोड़ा सा दर्शकों के बारे में, थोड़ा सा सामने वाली टीम के ऊपर और बीपीएल की तरफ से थोड़ा बातचीत करेंगे, कैसा लगा आज का मैच? आज का मैच तो मस्त था, लेकिन दर्शकों ने सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा मैच। ठीक है, धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर कोरोना कटक की टीम। थोड़ा रुकना, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच राइज सेरेमनी होगा। ए जल्दी करो, वर्षा हबो आज, वर्षा हो। कहाला रेट कैमरा चालीजिए क्या लाइट।
इसके बाद दूसरा मुकाबला जो कि वीर रामचंद्रपुर वर्सेस गुरगोटा, दोनों कप्तान अगर आ गए हैं तो प्लेज उन पर रुक रहेगा, वो हमारे कमेंट्री बॉक्स में आएंगे। Thank you.
पुराना कटा कैप्टन के अनुरोध रहा से मैंने आसबे वर्तमान आसी सेलेना साहब यूनिट साहब ट्राई सेरेमनी आरंभ करना चलिए पुराना कटक की कप्तान गोलरोज रहेगा वो आएंगे और लाइनअप रहेगी यहाँ पर पुराना कटक के जितने खिलाड़ी हैं आएंगे थोड़ा सा यहाँ पर लाइनअप रहेगी क्योंकि प्राइज सेरेमनी दिया जाएगा बहुत बढ़िया क्रिकेट हुआ आज ये पुनर भाई लोग बाईपोस बाईपोस अच्छी थी वाह हेलो गुड इवनिंग
कैसा रहा? अच्छा दोनों टीम अच्छा खेल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लास्ट तक मेहनत करते हैं लेकिन दूसरे का अलग काम कर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है जो भी जीते हैं उनका मेहनत और लग दोनों है। आपने मेहनत अच्छा किया, क्यों सनो अच्छा खेले ना सब। खेल को खेल भावना से खेलना है, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, हार जीत तो होना ही है। और जो टीम जीती है उसको बहुत बहुत बधाई, और जो अच्छा खेले हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि खेल के मैदान पे हमें अच्छा खेलना होता है, बाकी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी हम लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है कि रिजल्ट हमारे हाथ में था, रिजल्ट कभी हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे हाथ में केवल प्रयास होता है, एफर्ट होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है अब आगे तक टूर्नामेंट आराम से देखिए और सीखिए, क्योंकि तो आगे टूर्नामेंट होगा उसमें तो खेलना है ना। बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो रिव्यू करते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो गया, क्या हो गया, मालूम है ना। तभी तभी तो बड़े खिलाड़ी बनते हैं जो अपनी गलतियों को हम सुधारते हैं या जो भी हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लक के हिसाब से अगर जीत गए तो हम गलती नहीं किए हैं, गलती हम कहीं ना कहीं फिर भी करते रहते हैं। तो गलतियों से अपनी भी सीखना है और दूसरों की गलतियों से भी सीखना है, और वही जो है अच्छी सफलता मानी जाती है अच्छे खिलाड़ी के लिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो यहाँ पर खेलने के लिए आए। और अभी मैन ऑफ द मैच का जो है अभी हम प्राइज देंगे, एक मिनट मैं इनको देता हूँ कमेंट। आज का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है, जो कि बेहतरीन क्रिकेट खेले हैं वहां जिसका खेल है, कोई टीम हारेगा कोई टीम जीतेगा, लेकिन इस मैच में जो सबसे बड़ा एफर्ट डाले हैं, जो सबसे इंपैक्ट प्लेयर थे उनको मैं बुलाना चाहूंगा यहां पर। अनिल मांझी यार बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले, इनका मेहनत काफी अच्छा रहा था। अनिल कैसा लगा मुकाबला आज का? काफी जबरदस्त रहा है, बिल्कुल बराबरी में मैच आ गया था और आपका वो मेडन ओवर, इसके बाद आप जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी आपकी टीम उतना रन पर नहीं पहुंच सकता था, वहां पर आपने अच्छी बल्लेबाजी किया, कैसा लगा आपका मैच आपको? बहुत अच्छा लगा, हम लोगों के प्रयास बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी गलती छुप जाता जल्दी, हम एक गलती रोक सकते थे, लेकिन एक गलती ठीक है। कंग्रेचुलेशन, नेक्स्ट टाइम अरे अच्छी तरीके से खेलना, और थैंक यू वेरी मच दोनों टीम के कप्तान को। यहाँ पर हम आज का पोस्टमैच तो समाप्त करते हैं, और आज का पहला जो राउंड था दूसरा लीग मैच का वो जीत चुकी है पूर्णा कटक। Yeah, I'm going to do it.